तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि क्लास 9th एंड 11th का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है और क्लास 9th का फिनिश हो चुका है, 11th का कल परसों में फिनिश हो जाएगा, मतलब एक दो दिन में फिनिश हो जाएगा। 10 जून को रिज़ल्ट भी आ रहा है, 10 जून को ध्यान रखना, ठीक है ना। कंपार्टमेंट का 10 जून को रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग अलग क्वेरीज है। जैसे कि सर, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट, वो चाहे क्लास 9th के हों या फिर 11th के हों, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया कितनी है, कितने नंबर वाले पास होंगे, या फिर इंटरनल मार्क्स ऐड होंगे, या फिर जो टर्म 1 के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे, या फिर टर्म 2 का जो इंटरनल है वो ऐड होगा, या फिर जो 15 मार्क्स का फाइनल में ग्रेस दिया गया था, ग्रेस 15 नंबर का, वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, सबका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो पूरी बात को ध्यान से समझना अच्छे से। देखो, अगर हम बात करें टर्म वन की या फिर टर्म 2 की, तो टर्म 1 में मान लो आपने 40 नंबर का पेपर दिया था, 40 में से मान लो 10 आए थे आपके, तो ये 10 ऐड होंगे। और टर्म 1 में 10 मार्क्स का इंटरनल था, क्या था, इंटरनल, ध्यान रखना, इंटरनल जो था ये 10 मार्क्स का था टर्म 1 में, ठीक है ना, इंटरनल। और टर्म 2 में भी मान लो आप पेपर दिए हो, मान लो 15 मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स का इंटरनल टर्म 2 का भी है, तो टर्म 1 में मान लो आपको 5 मिले थे, टर्म 2 में भी आपको 5 मिला, तो ये जो मिला हुआ है, कहने का मतलब कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये टर्म 1 का 10 मार्क्स ऐड होगा, इंटरनल भी ऐड होगा, टर्म 2 का भी इंटरनल ऐड होगा। अब जो आपने 40 मार्क्स का पेपर दिया है, टोटल 1, 2, 3, 4 यानी इंटरनल, टर्म 1, टर्म 2 टोटल मिलाकर आपका होना चाहिए 33, ठीक है ना, 100 में से, तो 33 वाले पास हो जाएंगे। अगर मान लो 33 नहीं हो रहा है, तो जो 15 मार्क्स का ग्रेस है वो भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे फाइनल टर्म में सबके साथ ग्रेस ऐड किया गया था, कुछ बच्चों को प्रमोट किया गया था, ठीक है ना, तो वैसे आपको भी किया जाएगा एक दो सब्जेक्ट में, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सेम प्रोसेस वही है जो फाइनल टर्म का था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पूरा प्रोसेस, पूरी पॉलिसी सेम है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन के साथ वीडियो बना रखा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, पूरा प्रोसेस सेम है, ध्यान रखना। टोटल आपका टर्म 1, टर्म 2, इंटरनल टोटल मिलाकर आपका 33 होना चाहिए। अगर ये नहीं भी हो रहा है, तो 15 मार्क्स का ग्रेस एक दो सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा, अगली क्लास में आपको प्रमोट किया जाएगा, यही रूल है और यही फाइनल में भी था, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज है तो कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।